नमस्कार, आप देख रहे हैं INH न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। तो मध्य प्रदेश की खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लोगों से आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण के मसले पर फीडबैक लेने की अपील की और उन्होंने कहा कि भोपालवासी फीडबैक दें जिससे राजधानी स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन बन सके। सीएम को QR कोड के द्वारा उनके द्वारा कहा गया कि स्कैन करते हुए सर्वेक्षण को लेकर फीडबैक हासिल किया जाए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए महापौर ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की। भोपाल राज्यों की राजधानी में स्वच्छतम राजधानी है। अब फिर स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है, उसके लिए सिटीजन फीडबैक मांगा जा रहा है। मैंने अपना फीडबैक दे दिया है, कृपया करके आप भी अपना फीडबैक दीजिए ताकि भोपाल हमारा स्वच्छतम शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में बन सके। धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे भोपाल से सामने आ रही है। भोपाल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, लोन ऐप के को लेकर उनके द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जारी कर लोगों से अपील की गई, ऐप से लोन लेने से पहले प्रामाणिकता की जांच उनके द्वारा की जानी चाहिए, प्रामाणिकता देख लेनी चाहिए, निजी जानकारी शेयर न करने की उनके द्वारा अपील कर दी गई है। वही ऐप के साथ शेयर पेमेंट चैनल और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा रखें, संदिग्ध गतिविधियों को लेकर तुरंत शिकायत दें। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। लोन लेने से पहले वित्तीय जानकारी भी ले ले लोग। भोपाल के लोग जो है लोन लेने से पहले ऐप के बारे में समझें और वही ऐप के बारे में समझने के बाद जालसाजों से परिवार जो है एक पीड़ित था उसके बाद से ये जानकारी आपको बता रहे हैं भोपाल से सामने आ रही है। लोन ऐप को लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी है। ये जो नोटिस है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। एक और बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं भोपाल से सामने आ रही है। पैरामेडिकल फार्मासिस्ट की हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया। 11 जुलाई को शुरू हुई थी हड़ताल, 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे कर्मचारी। ये बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे कर्मचारी, जो हड़ताल थी वो खत्म हो चुकी है और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया है। 11 जुलाई को हड़ताल की शुरुआत हुई थी जो कि स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद खत्म हो गई है। 12 सूत्री मांगों को लेकर ये हड़ताल चल रही थी। पैरामेडिकल फार्मासिस्ट की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं भोपाल से सामने आ रही है। 11 जुलाई को शुरू हुई थी हड़ताल और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से मुलाकात के बाद ये हड़ताल खत्म हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार ग्वालियर के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने सिंधिया महल यानी जयविलास पैलेस का दौरा किया। और वही आपको बता दें जयविलास के बाद पैलेस में एक कमेंट बुक थी और उसमें आने से पहले मेहमान अपना अनुभव लिखते हैं। राष्ट्रपति ने भी अपना अनुभव शेयर किया। ग्वालियर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयविलास पैलेस में हुए शाही स्वागत से काफी खुश नजर आई। राष्ट्रपति ने कमेंट बुक में लिखा कि संग्रहालय और विभिन्न दीर्घायु को देखकर रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। हमारे देश की परंपराओं और धरोहर का सुंदर परिचय मिला है। और उनके द्वारा आगे लिखा गया है कि परिसर संग्रहालय और सभी स्थानों की देखरेख और रखरखाव में सुरुचि और संपन्नता झलकती हुई नजर आई है। मैं इस प्रभावशाली प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों को सराहना उनके द्वारा की गई है। स्नेह और ऊर्जा से युक्त अतिथि के लिए उनके द्वारा धन्यवाद देती हूं। तो आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्वालियर पहुंची और वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने के द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा भव्य उनका स्वागत किया गया और उनके द्वारा एक कमेंट्री पेपर और उनकी एक रीत थी जो कि उनके द्वारा लिखी गई और काफी उनके द्वारा सराहना की गई।
राजधानी भोपाल में कमिश्नरेट लागू होते हुए 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अपराधी ऐसे हैं जो कि जमानत पर है और लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं। अब पुलिस जो है उन्हें चिन्हित कर उनकी जमानत कोर्ट में रद्द करवाई की। भोपाल के जोन 3 में प्राथमिक तौर पर यह पहल की जा रही है। लागू इस उद्देश्य से किया गया था कि जो आदतन अपराधी हैं उन पर लगाम कसी जा सके, लेकिन अब भी ऐसे कई आदतन अपराधी हैं जो जमानत पर बाहर हैं, लेकिन फिर भी लगातार वारदातों को अंजाम देते रहते हैं, जिनको अब पुलिस चिन्हित करेगी और पुराने संगीन मामलों में मिली जमानत को कोर्ट से रद्द करवाएगी। देखिए, 1.5 साल हुआ हमारे भोपाल में कमिश्नर सिस्टम आए हैं, तो आदतन अपराधियों को जो प्रिवेंटिव एक्शन है हमारे, जो हमारे कमिश्नर कोर्ट चल रहा है, उसके बहुत असर हमें दिख रहा है। जो आदतन अपराधियों की संख्या अभी के टाइम में बहुत कम दिख रहा है हमें। अब जो चिन्हित कुछ लोगों को हमने चिन्हित किया है कि जो जिनके ऊपर प्रिवेंटिव का भी असर नहीं पड़ रहा, तो उन लोगों के लिए हमने तो उनको एक टास्क दिया है कि ऐसे लोगों की जो पूर्व के अपराध है, जो उनने संगीन अपराध जो किया है पूर्व में, जिसमें वो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, उन सारे अपराधों में क्योंकि उनने जमानत का शर्तों का उल्लंघन किया है, उनकी जमानत निरस्त करके वापस उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। इसके लिए हमने कमेटी बनाई, अभियान शुरू किया है। भोपाल के जोन 3 में यह पहल शुरू की जा रही है, जिसके लिए 3 थाना प्रभारी और 1 ACP की टीम गठित की जा रही है। यह टीम आदतन अपराधियों को चिन्हित करेगी जो कोर्ट से जमानत पर हैं और लगातार अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। ये हमने 5-6 लोगों को भी चिन्हित किया, अभी थाने के रिकॉर्ड छाट रहे हैं। हर थाने में हमने ऐसे 3-3 लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, जो बाहर निकल के बार बार अपराध कर, हर प्रकार के अपराध करते हैं। ये दिखने में है कि छोटे मोटे मारपीट, 307 जैसी घटनाएं, अड़ीबाजी जैसी घटनाएं ये लोग अंजाम देते हैं, ये अभी हमारे एनालिसिस में आया है, तो इन लोगों के ऊपर हम टारगेट करके कार्रवाई करेंगे। पिछले कुछ दिनों में भोपाल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो ऐसे ही जमानत पर जेल से बाहर आए आदतन अपराधियों ने अंजाम दी हैं। जोन 3 में ही ऐसे करीब 10 से 12 अपराधी हैं, जिनमें से 5 अपराधी अभी चिन्हित किए जा चुके हैं। इन अपराधियों की जमानत अगर भोपाल पुलिस अदालत से रद्द करवाने में कामयाब होती है, तो यह इस तरह की पहली कोई कार्रवाई होगी। भोपाल से कैमरामैन नितिन मालवीय के साथ INH न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर उठे विवादों के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया। शिवराज सरकार ने पटवारियों की नई नियुक्ति पर रोक लगा दी है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर हमलावर है और मामले की जांच CBI से कराने की मांग कर रही है। CM शिवराज सिंह ने ट्वीट किया है कि कर्मचारी चयन मंडल की समूह 2, उपसमूह 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम में एक सेंटर के रिजल्ट पर संदेह जताया जा रहा है। इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां अभी रोक रहा हूं। सेंटर के परिणाम का फिर से परीक्षण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती में गड़बड़ी को लेकर सियासत भी खूब देखने मिल रही है। कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर घोटालों का आरोप लगा रही है। सरकार के बचाव में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि डर्टी पॉलिटिक्स में राहुल गांधी को घसीटा जा रहा और प्रियंका गांधी से झूठा ट्वीट कराया गया। युवाओं को भ्रमित करने की राजनीति कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। साथ ही BJP के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस नेता गौरव त्रिपाठी की संदिग्ध भूमिका बताई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने कहा कि आज इस बात को खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वीकार किया है और उस नियुक्ति पर रोक लगाई है। कांग्रेस की मांग है कि इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए। कमलनाथ जी, पहले तो आपने अपनी ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है ना, इसमें राहुल गांधी जी को मटिया मैट कर दिया, अब प्रियंका गांधी से भी ये झूठ का ट्वीट करा दिया। कमाल की है, और खुद दुबई निकल गए। मेरी मांग है गौरव त्रिपाठी पे कार्रवाई हो। वो इस इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसने तुरंत ये भ्रम फैलाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता से युवाओं के जब मेल आए तो सेंटर के परीक्षा परिणाम रोक दिए हैं, पूरी जांच होगी। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि इस पूरे मामले की CBI से आप जांच कराइए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के लाखों नौजवानों के भविष्य का सवाल है और मध्य प्रदेश की जनता को भी जानने का पूरा हक है कि कौन लोग इस मांग उठाने में लिप्त।
पटवारी भर्ती परीक्षा समेत अन्य भर्ती में धांधली के खिलाफ भोपाल और इंदौर समेत पूरे प्रदेश में स्टूडेंट सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में जांच नहीं हुई तो एक सप्ताह बाद भोपाल के जम्बूरी मैदान पर आंदोलन करेंगे। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पर आज सुबह चयनित पटवारी पहुंचे, जहां उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की और नियुक्ति पर रोक न लगाने की मांग की। साथ ही कहा कि जो इस गड़बड़ी में लिप्त हैं उस पर कार्रवाई की जाए। 2017 के बाद से जितने भी एग्जाम हो रही, हर एग्जाम में फ्रॉड हो रहा है। प्रमुख मुद्दा ये एटीक्विटी कंपनी जो खुद यूपी की है, महाराष्ट्र की है, वो खुद वहाँ ब्लैक लिस्टेड हमारे मध्य प्रदेश में वो एग्जाम करा रही, तो बच्चों का भविष्य कहाँ से क्यों रहे? मुद्दा तो यही, आप सरकार को कह रहे हो कि सरकार का दोष है। सरकार तो सिस्टम बनाने के लिए देती है इनको, लो आप काम करो, लेकिन वो कंपनी भ्रष्ट ब्लैक लिस्टेड नहीं हुई तो हम सरकार के खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारी बात हुई आज इंदौर में, हमारे लाखों छात्र युवाओं ने प्रदर्शन किया, बात हो रही, लगातार हमारी बात चल रही है और हम जम्बूरी मैदान भर देंगे 4 से 5 दिन के अंदर। अभी हमारी बातों को नहीं माना। जी का ट्वीट आया है कि संदेह व्यक्त किया जा रहा है, तो हमको संदेह से कोई लेना देना नहीं है। संदेह है, आपका जांच का विषय है, ये होगा, होता रहेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित ना करते हुए, बाधित ना करते हुए, रोड़ा ना अटकाते हुए हमको चयन दिया जाए, क्योंकि हम चयनित छात्र अपनी मेहनत से आए हैं, जैसे तैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करके, अपने परिवार को मैनेज करके आज यहाँ तक पहुँचे। ये बड़े ताजुब की बात है कि व्यापम जैसे कांड होने के बाद भी आज तक मध्य प्रदेश में परीक्षाओं में गड़बड़ी मिल रही है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले में कब जांच करती है और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। INS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवीय की रिपोर्ट। नेपानगर के खाकनार खुर्द इलाके में लोग नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। दरअसल खाकनार खुर्द में फलिया मातन नदी और वही EGS स्कूल जाने के लिए सड़क मौजूद नहीं है। सड़क में अभाव के सिर चलते लोगों को खेतों से रास्ते बने और बगडंडी से होकर वहां पर गुजरना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में मुसीबत और बढ़ जाती है और इस इलाके में वाहन का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कोई शख्स बीमार पड़ जाता है तो उसे खाट की सहायता से अस्पताल ले जाना पड़ता है। तो आपको बता दें, ये नेपानगर की तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेत के जरिए निकल रहे हैं खेतों में, वहां से उनको पैदल निकलना पड़ता है और इतने पानी होने के कारण भी उन्हें पैदल निकलना पड़ता है। यहाँ पर सड़कें ना होने की वजह से लोग परेशान होते हैं और स्कूली बच्चों को स्कूल के लिए खेत का रास्ता चुनना पड़ता है। बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई का दावा किया जाता है, लेकिन स्कूलों में हालात दावों से इतर नजर आ रहे हैं। और वही खजुराहो के बजोरा स्कूल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल बैग को तकिया बनाकर क्लासरूम में सोते हुए नजर आए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अब गुरुजी की लापरवाही का आलम यह है कि घर और स्कूल का फर्क भूल जाते हैं। तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल के बच्चों में पढ़ाई की हालत क्या हो सकती है। वाकई जब गुरुजी सो रहे हैं तो बच्चे पढ़ाई कहां समझेंगे, और पढ़ाई तो भगवान भरोसे होगी। सवाल ये भी हो रहा है कि वीडियो वायरल हुआ तो गुरुजी की, आपको बता दें कि जानकारी जो है अफसरों तक नहीं पहुंची है। क्या शिक्षा विभाग कागजों पर ही ज्ञान की जो ज्योत है वो जलाने का दावा कर रहा है? भोपाल से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव का भोपाल दौरा, सह प्रभारी जो है अश्विनी वैष्णव भी आज भोपाल पर आएंगे। आपको बता दें भोपाल में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। 17 जुलाई को भोपाल प्रवास पर दोनों नेता, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 17 जुलाई को भोपाल प्रवास पर रहेंगे दोनों नेता। प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव का भोपाल दौरा, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी आज से भोपाल दौरे पर रहेंगे। भोपाल में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में दोनों नेता जो है शामिल होने वाले हैं। 17 जुलाई तक भोपाल प्रवास पर रहेंगे दोनों नेता। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी जो है चुनावी माहौल बनाने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश में लगी है और इसी बीच भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में दोनों नेता जो है शामिल होंगे। 17 जुलाई तक भोपाल प्रवास पर रहेंगे दोनों नेता।
वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। भोपाल से सामने आ रही है, प्रदेश चुनाव प्रभारी जो है वहां पर पहुंचेंगे, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी आज से भोपाल दौरे पर रहेंगे। भोपाल में कार्यक्रम जो आयोजित है उन कार्यक्रमों में दोनों नेता शिरकत करेंगे। 17 जुलाई तक आपको बता दें दोनों नेता प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी आज से भोपाल दौरे पर रहेंगे। खुशी पर जश्न मनाने की बात तो आम है और सजा पर जश्न मनाने की बात हैरान कर देने वाली है। मामला इंदौर के MIG थाने का है, जहां पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया, लेकिन सजा में पुलिस वालों के लिए जश्न का माहौल लेकर आई है। थाना प्रभारी की विदाई उनके सहकर्मियों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार अंदाज में की। दरअसल हालिया एक कारोबारी हनी ट्रैप का शिकार हो गया था और इस मामले में थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी। मामले में TI अजय कुमार वर्मा के खिलाफ विभागीय जांच की जानी चाहिए और ना वाकई हैरान कर देने वाला ये वाकया है। ग्वालियर में 3 दिन पहले पूर्व DGP सुरेंद्र सिंह यादव की नातिन की हत्या का मामले में प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है और वही वारदात के मास्टरमाइंड सुमित रावत के घर पर बुलडोजर चलाया गया और वही कंपू थाना इलाके में आरोपी सुमित के घर पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चला दिया और इस मामले में 7 आरोपियों को पुलिस ने डबरा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था। छात्रा की हत्या के मास्टरमाइंड सुमित को लेकर पुलिस जब तक लौट रही थी तब तक आरोपी ने बाथरूम जाने के बहाने वहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया था। और जो घटना का मास्टरमाइंड था, एक गाड़ी में था और दूसरी गाड़ी में अन्य दो आरोपी बैठे हुए थे, जो कि एक साथ एक जो बाइक चला रहा था तो उसमें घाटीगांव और परिहार के बीच जो घाटीगांव से पुराना रास्ता जाता है घाटीगांव रोड, वहाँ पर एक पुलिया है, पुलिया पर जब उसने वहाँ पर रोकने का बोला और वहाँ पर बाथरूम करने के लिए उसने बोला तो दो लोगों ने उसके बाथरूम के लिए उसको जब उसको छोड़ा तो बाथरूम धीरे से उसने सोचा कि काफ़ी 16-17 घंटे का लंबा सफ़र है तो उसने वहाँ से बाथरूम एकदम वहाँ से भागा और कूदा तो वहाँ पर एक पुलिया थी जो कि 10-12 फुट काफ़ी गहरी थी और झाड़ियाँ थी, वहाँ कूदा, वहाँ पर वो गिर गया और उसको काफ़ी चोटें आई और फिर जब क्राइम ब्रांच ने उसको घेरा ललकारा तो उसने सरेंडर कर दिया। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर सियासी पारा हाई चढ़ा हुआ है। इसके चलते चुनावी मौसम में कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल प्रदेश की BJP सरकार पर हमलावर हुए हैं और वही कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और इस मामले पर CBI जांच की मांग कर रही है। साथ ही युवाओं के साथ जन आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी भी दे डाली है, जबकि मामला उजागर होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस परीक्षा के आधार पर होने वाली नियुक्ति पर रोक लगा दी है। जो बड़े व्यापक रूप में जो धांधली हुई है वो धांधली किन्हीं भी कारणों से उजागर हो गई और हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का जो युवा पढ़े लिखे गरीब बच्चे थे जो मध्य प्रदेश के, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इस हेतु कांग्रेस पार्टी और हम सब युवा संगठन यहाँ सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और आज यहाँ कलेक्ट्रेट पे आकर, ग्वालियर कलेक्ट्रेट पे आकर हमने धरना दिया है और धरना देने के बाद ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन देने में हमने स्पष्ट रूप से मांगे की हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाए। तो यह रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हासिल होते हैं।